ब्लू फोर्स मानव एकता संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। गुना जिला छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। बंद छात्रावास चालू करने, प्रधानमंत्री आवास की किस्त पुनः प्रारंभ करने की प्रमुख मांग। समस्याओं का निराकरण ना होने पर संगठन करेगा बड़ा आंदोलन, दी चेतावनी। आज ब्लू फोर्स मानव एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ गौतम के नेतृत्व में एक ज्ञापन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम गुना कलेक्टर के माध्यम से दिया गया, जिसमें संगठन की तरफ से कोरोना महामारी के समय से बंद पड़े छात्रावास को खोलने, 2 साल से बंद पड़ी प्रधानमंत्री आवास की किस्त चालू करने की प्रमुख मांग थी। कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन SLR अधिकारी अनिल शर्मा ने लिया। इंडिया खबर लाइव के लिए जिला ब्यूरो चीफ राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं सौरभ गौतम, प्रदेश अध्यक्ष ब्लू फोर्स मानव एकता संघ से। आप लोगों की क्या समस्या थी? आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें छात्रावासों को खोलने व आवास योजना के तहत छात्र छात्राओं के खाते में राशि डलवाने बाबत ज्ञापन लिया है, जिसमें प्रदेश में लगभग स्कूल नियमित रूप से लगने लगे हैं, लेकिन छात्रावास बंद होने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राएँ हैं वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं और परीक्षा का समय भी नज़दीक आ रहा है। ऐसे में प्रदेश का रिजल्ट रैंक भी गिरने का डर है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि जल्द से जल्द छात्रावासों खोलने की कृपा करें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राएँ अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो किराया मिलता है छात्र छात्राओं को, राशि मिलती है, वह 2 वर्ष से नहीं आई है, इसलिए उसे भी जल्द से जल्द खातों में डलवाने की कृपा करें, जिससे अभी वर्तमान में लॉकडाउन के कारण छात्र एवं छात्राओं के परिवार की कई ऐसे में किराया मकान का किराया देना, किताबें खरीदना, स्कूल और कोचिंग की फीस देना कठिन है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जल्द से जल्द छात्र एवं छात्राओं के खाते में राशि डालने की कृपा करें।